अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर बिल एक्ट जो पास हो गया है इसके बारे में। इस बिल के जो बुनियादी मकसद था इसको बनाने का, इस कानून को बनाने का, वो था कि जो हिजड़े पाकिस्तान में हैं, जिनको आम जबान में खुसरा भी कहा जाता है, उनके हकूक की तहफ़ के लिए ये बिल पेश किया गया था। लेकिन इसमें बहुत सारी तरमीम की ज़रूरत थी। 2018 में ये बिल पेश किया गया था, ये मुख्तलिफ आइनी प्रोसेस के ज़ेरे एहतमाम चलता रहा है, लेकिन आजकल ये दोबारा से सोशल मीडिया पे बहुत आम हो चुका है। इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों की राय हैं, बहुत सारे दीनी जो तबके हैं वो भी इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं, आम इंसान, आम पाकिस्तानी भी इस बिल की मुखालफत करता नज़र आ रहा है। इसकी सबसे जो बड़ी वजह है कि इस बिल की मुखालफत एक तो हुकूमत वक्त की इस टाइम पे मंजूरी है, और दूसरा ये कि इस बिल में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाद में आने वाले दिनों में हमारे जो नौजवान नस्ल है या हमारे माशरे में नेगेटिव चीज़ें प्रोवाइड करेंगी, नेगेटिव उनको तहफ़ मिल जाएगा। इस बिल की रूह से एक मर्द से शादी कर सकता है, और इसी बिल की रूह से एक औरत दूसरी औरत से शादी कर सकती है, जो कि हमारे दीन और इस्लाम के बिल्कुल मुखालफ बात है, इसलिए भी इस पर ज़्यादा तनकीद हो रही है। ये बिल जिन्होंने पेश किया उनका मकसद ये था कि ये जो यहाँ पे हमारी कम्यूनिटी है, हिजरा की जो कम्यूनिटी है, इनको तहफ़ फ्राहम किया जाए। पूरी दुनिया में ये जो हिजड़ों को तहफ़ दिया जाता है उसकी एक मेडिकल बोर्ड होता है जो कि इस बात का तय्यन करता है कि ये जो हिजड़ा है ये इसमें ख़वातीन वाली खसलतें ज़्यादा हैं या मर्दों वाली ज़्यादा हैं। तो उस बोर्ड की हदायत के मुताबिक उसके शनाख्ती कार्ड पर उसकी फीमेल या मेल लिखा जाता है। लेकिन जबकि इस बिल में हमारे जो हम बिल मंजूर हुआ है इसमें ये कहा गया है कि कोई भी बंदा, कोई भी हिजड़ा अपना जब आईडी कार्ड बनवाने जाए तो वो जाके नादरा के उसमें बस इतना कह दे कि मुझे फीलिंग्स खवातीन वाली आती हैं, तो इसलिए मेरा जो फीमेल लिख दिया जाए, या कोई हिजड़ा जाके ये कह दे कि मुझे फीलिंग्स मर्दों वाली आती हैं, तो वो अपने उसमें मर्द लिखवा सकता है। तो इसी जब ये कानून लागू हो जाएगा, सेनेट से पास हो जाएगा, तो फिर हर एक आम बंदा भी जाकर अपना जेंडर चेंज करवा सकता है। कोई भी बंदा जाए उसे अपने नादरा के ऑफिस, उसे कह दे कि मुझे ख्वातीन वाली फीलिंग्स आ रही हैं, तो उसका जेंडर चेंज कर दिया जाए, तो वो इस जेंडर को चेंज करने के लिए चेंज कर सकता है, क्योंकि वो कानून के मुताबिक वो कानून मौजूद होगा। इसलिए सारी मजहबी जमातें, सारे पाकिस्तानी इस बिल की पूरे जोर मजम्मत कर रहे हैं कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बिल अगर आपने उस हिजड़ों की कम्युनिटी के लिए, उनके तहफ़ के लिए बनाया है, तो इसमें थोड़ी सी तरमीम कर देनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में जो इतना बड़ा मुल्क है वहाँ पे भी इस तरह के कानून मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है कि मेडिकल बोर्ड इस बात का तयन करेगा कि ये जो हिजड़ा है ये मेल है या फीमेल है। तो ये काम मेडिकल ही बोर्ड ही कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी वैसा ही कानून लाना चाहिए कि मेडिकल बोर्ड उसका होना चाहिए, वो इस बात का तय्यन करेगा। अब जबकि इस मुल्क में ये जो कानून पास हुआ है ये पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, सिर्फ एक अमेरिका है जहाँ पे ये कानून है कि वहाँ पे कोई भी आम बंदा जाकर अपने नादरा के ऑफिस में अपना जेंडर चेंज करवा सकता है, सिर्फ इतना कहकर के मुझे ये वाली मर्द है, तो वो कह सकते हैं मुझे ख़वातीन वाली फीलिंग्स आ रही हैं, तो उसका जेंडर चेंज कर दिया जाएगा। औरत है तो वो कह दे कि मुझे मर्दों वाली फीलिंग्स आ रही हैं, तो उसका भी जेंडर चेंज कर दिया जाएगा। इसके अलावा पूरी दुनिया में जहाँ भी हिजड़ों की कम्युनिटी के तहफ़ की बात की जाती है, तो वहाँ पे मेडिकल बोर्ड ही इस बात का तयन करता है। तो ये बिल की यहाँ पे, अब इस बिल के पीछे सियासत भी चमकाई जा रही है, इस बिल के पीछे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, लोगों को बदनाम भी किया जा रहा है। तो बेहतर ये है कि इस बिल को मंजूर ही ना किया जाए, और इसका जो तरमीम है इसमें अच्छी कोई तरमीम लाकर, अगर आप उस कम्युनिटी की, हिजड़ों की कम्युनिटी के तहफ़ की बात करते हैं, तो इस बिल में तरमीम लाकर उनको तहफ़ फराहम किया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।